होली की तैयारियां कुछ कुछ पहले से करी हुई थी, दो तीन दिन पहले मैं एक दिन बोली थी शायद आप लोगों से, नहीं पता नहीं बताया था कि नहीं, सैटरडे फ्राइडे को, फ्राइडे को हम गए थे शॉपिंग करने, तो कुछ कुछ चीज़ें हम ले आए थे होली के लिए, कुछ बाकी है अभी मैं जाऊँगी, तो मैं उन चीज़ों को रख के बैग खाली कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो आप लोग भी चलिए देख लीजिए हमारे साथ से हम क्या क्या लेके आए हैं और क्या बाकी है ये भी मैं बताऊँगी आप लोग को। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने लिया था ये 3 किलो बारीक जो टूटा वाला चावल होता है वो लिया था मैंने, सारे बड़ी तारीफ करते हैं इसके, मुझे नहीं समझ में आया उतना। और मैंने लिया ये चाय पत्ती 2 पैकेट, फॉर्चून 2 लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने जस्ट अभी खोल दिया है, ये खोल दिया। और ये मसाल तेल मैंने लिया 2 सरसों का, ये सरसों के 2, एक ये टूथपेस्ट, एक ये टाटा साल 2 है, एक और है थोड़ा बिस्किट वगैरह रखी हूँ, बच्चे ना देख के एकदम से मांगना शुरू कर देते हैं, उसको अलग रखती हूँ, दिखाऊंगी उसमें भी है शायद। ये 2 बूंदी ले लिया था, मुझे अच्छी लगती है बूंदी की रायता। ये मैंने इसमें मसाले हैं खुले खड़े, कुछ कुछ बैठे, कुछ पीसे जो भी हैं, इसमें है सारा कुछ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार इलायची, लौंग, काली मिर्च जो भी है इसमें है। ये अरारोट लिया था मैंने, मैं चटनी बनाती हूँ घर पर ही। ये सूजी बारीक वाली है, ये बेसन, ये इमली, इमली की चटनी के लिए, ये छोले, ये राजमा, ये सांभर सांभर मसाला, सेवई जो कि मैंने एक दिन बना दिया, और ये सूजी लिया था मैंने, ये शक्ति भोग की जो कि इसको भी मैंने एक दिन बनाया है। और बिस्किट वगैरह भी हैं, देखती हूँ बच्चे आफत ना करे तो दिखा सकती हूँ मैं। इतनी शॉपिंग हो गई है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने डब्बे में रख भी दिया है, जो बाकी है मैं दिखा दूँगी। अभी मुझे लाना है, देखती हूँ मार्केट से क्या क्या लाती हूँ। तो ये मैं इनको अभी खोलूँगी, डब्बे मैंने दोपहर धुल दिए थे, अब मैं इनको खोल खोल के रखूँगी, तो मैंने सोचा एक बार दिखा भी दूँ आपको, तो चलो फिर। और ये मैदा ले आई थी 1 kg, मशीन ले आई थी मैं। और खाने पीने की चीज़ें हमने इसमें रखी हुई है, जिसमें है ये एक नमकीन भुजिया, ये खट्टा मीठा, ये चॉकलेट लाई हूँ मैं, शायद गिर गया ये चॉकलेट, और इस टाइप का 2 बिस्किट ले आई हूँ, इसमें का 10 है, ये एक मारी बिस्किट, एक ये नमकीन, एक ये और ये हींग, ये एक नमक, और चीनी वगैरह भी लाई थी जिसको मैंने खाली कर दिया। हाँ तो यही सब है लेके आई थी मैं होली के लिए। फ्रेंड फिर हम लोग आ गए थे मार्केट होली के जस्ट एक दिन पहले, यानी कि मंडे को, और मुझे कुछ कुछ और सामान लेना था जो कि मैं लेने आई थी मार्केट, है थोड़ी दूर है ये हमारे घर से, लेकिन सब लोग जा रहे थे तो बोले चलो, तो हम भी चले गए। और इतनी भीड़ मार्केट में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भगवान, जाम लगा हुआ था पूरा, जहाँ देखो रंग गुलाल, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था, मुझे मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लूँ, सब कुछ खरीद लूँ, लेकिन क्या करूँ, सब कुछ तो नहीं खरीद सकती है ना, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, हम अपने बजट के हिसाब से ही खरीद सकते हैं। इतनी अच्छी मार्केट, इतनी सुंदर सुंदर पिचकारियाँ, इतने सुंदर सुंदर मास्क और बिग, और बहुत कुछ। सबसे प्यार तो मुझे गुलाल लग रहे थे, सुंदर कलर की, पता नहीं ये अच्छे वाले हैं या लोकल हैं जो भी हैं, लेकिन कलर उनका इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे लगा था कि सब कुछ खरीद के रख लें। और मार्केट भी इतना सही था, मतलब त्योहार भी मार्केट भी, गुलाल
और फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग हलवाई की दुकान पे। मुझे ये था कि हम ना गुजिया ख़रीद लेंगे, गुजिया बनाएंगे नहीं, बहुत टाइम लगता है। फिर मैंने देखी जब गुजिया, तो इधर चाशनी वाली गुजिया थी, वो सूखी वाली नहीं थी, तो हमने मना कर दिया नहीं लेना। फिर हम लोग आ गए सब्ज़ी मंडी, फिर हमने सब्ज़ी मंडी पे सामान ख़रीदा। वैसे भी हम लोग पहले भी खरीद चुके थे कुछ कुछ, ये तो वापस आने का है। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, और खूब मस्त रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, और खूब गुजिया बनाइए खाइए। और होली ना